शुरू से लगाकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मेरे जो 15 भाई है उनके साथ में मेरी राखी का आज स्पेशल डे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखोगे नहीं क्या 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 गिफ्ट थे, क्या क्या था। चलिए ओके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 7 और मैं उठ के नहा लिया है मैंने, क्योंकि आज है राखी। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, और अच्छे से राखी मनाओ, सेफली मनाओ, बस यही मेरी आशा है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, एक मिनट है ना, कान बंद है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रही हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, तो हो रहा है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर, तो और पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी आज नहीं है इसलिए। तो चलिए पूजा करते हैं। मेरी पूजा हो चुकी है और अब कैमरे को रख देती हूँ एक तरफ, बाकी दूसरे काम है वो निपटा देती हूँ करके, फिर आपसे मिलती हूँ। और दीदी और ये लोग भी आने वाले हैं, चिको भी सोए इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बोलूँगी वैसे डिस्टर्ब होगा इसलिए। अभी बन रही है राखी का, अभी बन रहा है राखी के लिए खाना। तो आज के टुडे स्पेशल में है लड्डू, बाटी और दाल, जो कि राजस्थानी खाना है और बहुत ज़्यादा सबको पसंद है, तो वही बन रहा है। तो अभी मैं लड्डू की प्रिपरेशन कर रही हूँ, दाल की कर ली है लगभग, और चावल भी रख दिए अगर ऑप्शनल है किसी को खाने हो तो, इसलिए बाकी तो सब कंप्लीट हो रहा है काम धीरे धीरे। आप देखो मैंने चुरमे वाला आटा बांध दिया है, थोड़ा सा मोटा आटा लिया था और आटे के अंदर सिर्फ घी डाला था और ये बांध के रख दिया। इसको करने दूँगी थोड़ी देर रेस्ट और फिर इसके बनाऊँगी मठिए और फिर इसको तलूंगी घी में। थोड़ी बहुत आधी अधूरी मैंने तैयारी कर दी है, अभी भाभी आएंगे तो भाभी और हम दोनों मिलकर बनाएंगे। और मैं कर देती हूँ घर में थोड़ी साफ़ सफ़ाई, थोड़ी क्या बहुत कुछ कर दी है मैंने साफ़ सफ़ाई, कपड़े समेटने थे, डाइनिंग टेबल अरेंज करना था अच्छे से, और किचन में थोड़ा बहुत करना था। अब कर देती हूँ थोड़ी रूम की साफ़ सफ़ाई और फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये सब चीज़ें बता के क्या करूँगी यूँ घर के, और मुझे क्या कैमरे के हिसाब से फिर थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है कि मैं यानी बीच बीच में तो नहीं आ रही हूँ ऐसा, तो एक बार कर देती हूँ अच्छे से अरेंज, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर तल रहे हैं मेरे मठिए, यानी मैंने आटे का ये बना दिया था, फिर आटा ये पड़ा है, ये तल रहे हैं, लगभग पक चुके हैं, फिर निकाल देती हूँ। ये मठिए मैंने पीस दिए हैं, अब इसके अंदर डालूंगी शुगर, घी, मसाले वगैरह और ये टेस्टी बनेंगे। और गार्निशिंग के लिए इसके अंदर डालूंगी बादाम, काजू, द्राक्ष तो अच्छी नहीं लगती है, बना के फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। खाना लगभग बन चुका है, बाटियाँ यहाँ पर सिक रही हैं, चावल यहाँ पर हो गए हैं और लड्डू ये बन गए हैं हमारे, और ये तैयार है दाल। बस अब बाटियाँ सेक के मैं हो जाऊँगी रेडी, और दीदी भी बस अब आने वाले हैं, फ़ोन किया था, लगभग आधे पहुँच गए ऐसा बोल रहे हैं। अभी हो चुकी हूँ मैं आधी अधूरी तैयार, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी पूरी होने जा रही हूँ शॉप पर तैयार, क्योंकि मेकअप का प्रोडक्ट सारा मेरा वहीं पर है, क्योंकि पीछे स्टूडियो है इसलिए। तो चलिए हो जाते हैं तैयार, फिर आपको बताएंगे कैसे तैयार हुए। अभी कर लेती हूँ मेकअप, स्टूडियो में आ गई हूँ, आपको रख देती हूँ एक तरफ, देखो मेरा क्विक एंड ईजी वाला मेकअप कैसा है, फास्ट वाला। बहुत ही ज़्यादा क्विक मेकअप करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं एक एक चीज़ प्रॉपर बताऊँगी। फटाफट से कर लेती हूँ मेकअप, यहाँ पर क्या पता क्यों पिंपल आ रहा है। सबसे पहले प्राइमर, मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब मैं कंफ्यूज हूँ मैं काजल लगाऊँ कि ना लगाऊँ, देखती हूँ, अगर अच्छी चिको को पूछती हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो लगा दूँगी, एक बार बिंदी लगा लेती हूँ। मुझे लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मैं इतने लाइट कलर्स कभी भी नहीं लगाती हूँ, और चेंज कर दूँगी इसको क्योंकि ये मुझे कुछ अटपटी ही दिख रही है, थोड़ा न्यूड कलर ही लगा दूँगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, दिख रहा है ना मेरे ऊपर लाइट शेड्स अच्छे नहीं लगते, मेरे ऊपर डार्क शेड ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने एकदम से न्यूड शेड ही लगाया है। और अब चलेंगे घर पे, दीदी और ये लोग आ गए हैं और हैप्पी भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो वो जैसे ही आते हैं हम लोग निकलते हैं, और बस
कैसी लग रही? बस बिंदी लगानी बाकी है। आधी आधी मावा ही है सब जगह पर। घेरा बना दो। अच्छा सा बना। मम्मी बांधेंगे मिट्टू शिबा की तरफ से लोकेशन भाई वीडियो ले तू। आज तो पूरी खा बस थोड़ी सी पतली बस लो ये यार। नंग तो टीलक लगाने नहीं आ रहा। ले सेल्फी ले लेता हूं जैसे लेने हो। यहां पर खड़ा रहो। अच्छे से। अरे व्लॉग में नहीं आए ये ना। अच्छे से। अच्छे से। यस भाई। बोलो कुछ की। ये बेटा असली में से ऐसा कर क्या? अच्छी रखी भाई। बिल्ली के मुंह के बराबर दिख रहे सब। अभी जा रहे हैं हम मेरे घर पे। मेरे भाई सारे वेट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो अभी जाते हैं कल्याणपुर। चलिए आ गई हूँ मैं फाइनली सब भाइयों को राखी बांधने के लिए। अब सबसे पहले बताओ गिफ्ट का है मेरा, फिर राखी बांधी। मैं इतनी काली हूँ क्या करूँ। अब चलिए दुकान में भी बांध देते हैं राखी। ऐसे ना तुम साहब ऐसे बैठे हो पहाड़ की तरह बीच में। तेरे कसम है एल्बम कैसा लगा? मस्त है। मस्त है पत्रकार जी। कैमरा इसके हाथ में जाने मत। ये हमारे यश जी का चाचू जी। फाइनली इतनी सारी स्टेप्स पार करने के बाद भाई की बारी आ गई है और ये रहे हमारे भाई जो फाइनली गाइस 4:43 पे मेरी राखी आज शुरू हो रही है, देख सकते हैं आप। और ये कैमरे के पीछे जो इंसान है इनकी वजह से हो रहा है वजह थी। ये लेट राखी का नतीजा है। और चावल तो इस साल नहीं चढ़ेंगे, उस साल चढ़ेंगे। नहीं चढ़ेंगे ये राखी ऐसे और ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये पूरी 12 महीने तक रहनी चाहिए। हाँ डबल गार्ड बांध देगा ऐसे खुलने वाली क्यों बांध दी? पॉज कर पॉज कर। कौन सी मिठाई खिलाई जाए? सब मिठाई कौन सी खिलाई जाए? सब खिलाओ। रोमा जी खिलाओ पूरी जगह। सारी खिलानी पड़ेगी सारी। चलो इसके ऊपर मच्छर बैठा हुआ है, ये मच्छर वाले खिला देती हूँ। कहाँ है मच्छर? मजाक कर रहे हो? मच्छर बैठा हो तो जिया जी। रोमा जी ने पूरी खिला ला। देखो पूरी थोड़ी है पूरी। उड़ा क्या मिठाई है ये, क्या मिठाई है ये। थैंक्स टू निलेश भैया बहुत अच्छी मिठाई दी। क्या मिठाई है ऐसी जिया जी? मिठाई लाए बहुत अच्छी मिठाई है। सस्ती। आपने भी खाई नहीं है? मेरे हाथ से नहीं खाओगे? मैं तो फूल खाई है। लो जी खाओ ना। लोग तो गाइस मैं बॉम्बे आया था। बोल 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 कहीं देखी ली ऐसी मिठाई डाल दी मुंह में।
सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक तो से मीम बनेंगे वो वाला मैं एडिट करूंगा ये वाला ये एडिट इससे भी हो रहा चालू है ठीक है अब टाइम आ गया है लूट मार करने का माथे पड़ के लूट लो जो मिले वो कितने कितने देना है 100-100 रुपए सच सच बताना यश मेरे लिए कितनी कितनी शॉपिंग करी सच एकदम बिल चाहिए मुझे ओ बाप रे ट्रेंड के मुझे वाउचर दिए जा रहे ओ ये कब तक है सितंबर से अक्टूबर तक अक्टूबर जाके शॉपिंग करके चकाचक ले आऊंगी अब मैं 5-6 हजार रुपए महीने से ले मैं देता हूँ अब भाभी के लिए भी बच्चा के रखे देते कोई जवाब नहीं मेरे वाले देख 1 रुपए का भी नहीं ये सब पूरे लेने चाहिए पूरे ये पांच या कर देगा मैं नहीं दे सकता हूं तो यहां पे 2500 की शॉपिंग मेरे को 10000 की शॉपिंग पे 2500 फ्री होने वाले कितने 4-5 हजार की मिठाई क्या 4-5 हजार की मिठाई ले लिया तो पागल ये तो गुजिया खिलाए ये एक गुजिया 500 रुपए का है किडनी बेटा करा दे मम्मी तो यहाँ पे हाँ 500, 6000, 15, 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 हजार रुपये तो आपको केस दिए जा रही है केस नगद रुपये करके थंबनेल ले ले थंबनेल ये हमारे हमको वस्त्र दान किए जा रहे हैं वस्त्र दान नहीं जैसे कि आप एक यूट्यूबर है और आपके पति आपको कपड़े का दिलवा नहीं रहे सूट दिलवा नहीं रहे ये हमारी तरफ से भेंट आपको सब सलवार सूट सलवार के सूट और ये भगवान भी सब कुछ दे चलो बेटा सही बैठो पालथी मार के पलटी मार अगली बार असल वर्ड बैठता तो बैठो तो वह वीडियो चालू करिए पलटी मार के बैठ अच्छा ऐसे बैठो ढंग से बैठ और मैं यहाँ पे कानून को राखी बांधूंगी ब्रो वाली नहीं कुछ भी नहीं अभी कुछ भी नहीं थोड़ी थोड़ी राखी बता दे रही भाई तो मेरा ये है राखी तू बंद है पहले तू वो क्या राखी का गिफ्ट दे दो चलो पप्पी करके सही जगह गिफ्ट कहाँ पे है तेरे को लाना चाहिए गिफ्ट बस अब हम निकल चुके हैं पापा के घर से ये सब जने बाहर छोड़ने हैं लच्छू गाइस ओके चलिए बाय अब चलते हैं अब दीदी को जा रहा हूँ छोड़ने ठीक है चलो बाय 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 अपने कपड़े लिए बाय बाय हम निकल चुके हैं मम्मी पापा के घर से और बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं तो यश और ये लोग भी आधे तक हमको छोड़ने आ रहे हैं पीछे उनकी कार आ रही है तो बस अब आपसे पहुंच के फिर मिलते हैं आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गया मैं कितनी जगह पे तो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं कैमरा सब जगह पे ले जाऊं ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि दीदी और दोनों की राखी बांधनी थी दीदी किसी रीज़न की वजह से आ नहीं सकती थी इसलिए तो वो तो हमने सब सेट कर दिया पर शूट नहीं कर पाई फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं वो आपको देखने मिलेंगे तो ठीक है व्लॉग में आ जाएंगे इस पूरे व्लॉग में तो अभी जा रहे हैं घर घर जाके आपसे मिलते हैं आ गए हैं घर पर अब जाएंगे अंदर तो कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ बाय घर आ गई हूँ बस अब कपड़े वगैरह चेंज करूँगी मेरे फेस पर थकान दिख रही होगी बहुत टाइम बाद मेरे सारे भाइयों से मेरा मिलना हुआ यानी मेरी कोई भाभी अभी गई हुई नहीं थी उनके पियर जब तक मैं नहीं जाऊँगी तब तक तो नहीं जाती है लगभग क्योंकि उनको रहता है ना दीदी आएगी तो राखी बांधेगी और मेरी दीदी की भी राखी मैंने ही बांधी जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा मज़ा आया और थक भी गई हूँ इसलिए अब व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो अच्छा लगा ही होगा ऑब्वियस तो लाइक तो कर ही देना एक मेरे सारे भाइयों के लिए एक लाइक तो बनता ही है तो इस वीडियो को कर देना शेयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में बाय